हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है पल्सर 220 की स्टॉक एग्जॉस्ट में जो पीछे डीबी क्लियर दी गई है कंपनी से बाय डिफॉल्ट, उसको ओपन करके हम लोग चेक करेंगे कि आवाज़ बढ़ती है कि कम होती है। बहुत जनों ने ऐसा कहा कि आप एग्जॉस्ट में खोल के देखिए आवाज़ ऊपर नीचे क्या होती है, कुछ भी प्रॉब्लम डिसएडवांटेज एडवांटेज जो होती है वो आपको बताता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट। गाइस अभी ये गाड़ी की आवाज़ सुनिए विद डीबी क्लियर, ये जो लगी हुई ब्लैक वाली। सो गाइज यहाँ पे एक एलन की बोल्ट दी गई है कंपनी से जो है 4 mm की। सो गाइज ये रही एलन की 4 mm की, ये रैचेट हैंडल, इससे हम ओपन करेंगे। आइए देखते हैं। सो गाइज ये बोल्ट निकल चुकी है, अब बारी है डीबी क्लियर निकालने की। सो गाइज ये डीबी क्लियर निकल चुकी है और आपको अब साउंड सुनाते हैं विदाउट डीबी। सो गाइज ये डीबी क्लियर वापस इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर आपको रिव्यू बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस में दिखी है। सो गाइज आपने वीडियो में देख लिया होगा साउंड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो मिला नहीं मुझे, खाली हल्की से मोटापा बढ़ गई थी एग्जॉस्ट में। पल्सर 220 एक ऐसी कंपनी एग्जॉस्ट देती है जिसमें बाहर में डीबी क्लियर लगा रहता है जो ओपनेबल है, बाकी पल्सर 150 180 एंड बाकी जितनी बाइक्स बजाज में है उसमें डीबी क्लियर नहीं दिया है कंपनी में। सो मैंने इसको टेस्ट किया आवाज़ खोल करके, सो उतनी डिफरेंस मुझे लगी नहीं, बस हल्की आवाज़ मोटी हो गई थी। अगर आपको भी चेक करना है आपने 220 पे या कोई भी गाड़ी पे डीबी का जो दिया है कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट, आप खोल कर चेक कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे ऐसे कोई और वीडियो पे।